Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. रूस और यूक्रेन युद्ध के आज 838 दिन हो गए हैं और ये युद्ध अभी भी जारी है और कब तक जारी रहेगा इस पर कुछ कहना मुश्किल है। इस पूरी लड़ाई में यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं और कई शहरों पर रूस ने अपना कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के लगभग 20% जमीन पर इस समय रूस की सेना का कब्जा है और बखमुत और अविद्विका जैसे यूक्रेन के बड़े शहर भी इस समय रूस के पास हैं। यूक्रेन की सेना अपने शहरों और गांवों को रूस से बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। अगर रूस की बात करें तो इस युद्ध में रूस को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन से युद्ध में रूस की सेना का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है। पश्चिमी देशों की मीडिया के आंकड़ों की बात करें तो रूस के 3 लाख से ज्यादा सैनिक इस पूरी लड़ाई में मारे जा चुके हैं। हालांकि रूस पश्चिमी मीडिया के इन दावों को खारिज करता है। इसके अलावा इस युद्ध के कारण ही रूस पर कई बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं जिसका असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर यूक्रेन रूस जैसी महाशक्ति को पिछले 2 साल से भी ज्यादा समय से टक्कर कैसे दे रहा है। इसका जवाब है पश्चिमी देश। जब से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुई है तब से अमेरिका सहित यूरोप के कई देश यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन न सिर्फ रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है बल्कि रूस के अंदर भी घुसकर हमला कर रहा है। हालांकि BBC की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी है, जिसकी वजह से कई जगह यूक्रेन की सेना को रूस की सेना से मात खानी पड़ रही है।